स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एट होम। टूडे वी विल डू वर्ड पावर ऑफ चैप्टर 7, एनाग्राम्स। एन एनाग्राम इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द सेम वर्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। ओके, अरेंजिंग द लेटर ऑफ द सेम वर्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। लुक एट सम एग्जाम्पल्स। लुक, F A C E, face. What is this? Face. अब हम इसी से एक और मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, C A F E, कैफे। ओके, एक मीनिंगफुल वर्ड से दूसरा मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना, उसको रीअरेंज करके, वो क्या है? एनाग्राम्स। ओके, एविल, L I V E, live. Okay. Look at another example. East, E A S T, east. S E A T, seat. Okay. एक वर्ड के अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड रेडी कर दिया हमने, ये क्या हो गए? एनाग्राम्स। हम एक से ज़्यादा वर्ड भी रेडी कर सकते हैं। लुक एट दिस, डाइट। ओके, ई डी आई टी, एडिट। ओके, एंड नेक्स्ट वन, टी आई डी ई, टाइड। एंड नेक्स्ट वन, टी आई ई डी, टाइड। अब हमने क्या किया, एक मीनिंगफुल वर्ड से थ्री डिफरेंट मीनिंगफुल वर्ड रेडी कर दिए। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज एनाग्राम्स। ओके, अंडरस्टूड? टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर स्पेल्ड विद द सेम लेटर्स बट इन अ डिफरेंट ऑर्डर। ओके, सेम लेटर बट इन डिफरेंट ऑर्डर। लुक, फियर, क्या वर्ड बनेगा इसे? एफ ए आर ई, फेयर। ओके, एंड नेक्स्ट वन, कैट, ए सी टी, एक्ट। बन रहा है ना? डस्टी, एस टी यू डी वाई, स्टडी। व्हाट इज दिस? दिस इज एनाग्राम्स। ओके, दिस इज एनाग्राम्स। नाइट, एन आई जी एच टी, नाइट। टी एच आई एन जी, थिंक, रीअरेंज हो गया, थिंक। एक मीनिंगफुल वर्ड से दूसरा मीनिंगफुल वर्ड रेडी करना, ओके, दीज आर एनाग्राम्स। ओके, टुडे यू विल डू द सेम। लेट्स ट्राई 4 एंड लेट्स ट्राई 5। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।